हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अभिषेक के ड्रीवन। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी पोयम को पढ़ने वाले हैं जिसके पढ़ लेने से, समझ लेने से जीवन में आने वाले जीवन में, आगामी जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, कैसा भी दुख है, अगर आप इस पोयम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो वह दुख, वह डिफ़िकल्टी, वह प्रॉब्लम आपके सामने बहुत ही छोटी पड़ जाएगी और आप उसको ओवरकम कर लेंगे। इस पोयम का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको कंपोज किया गया स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। एक जो है वर्ल्डली नोन पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें हम सैफरन पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी इज पर्सन टोटैलिटी, जो कि साइक्लोनिक मॉन्क के नाम से जाने जाते हैं, साइक्लोनिक हिंदू मॉन्क जिन्हें कहते हैं। आई थिंक इनके बारे में पूरे के पूरे जो है विश्व में सभी लोग जानते हैं और इंडिया में तो हर एक छात्र, हर एक युवा जो है, सभी छात्र और सभी युवाओं के जो है यही सबसे बड़े आदर्श हैं। ओके, तो हम पोएम को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करने से पहले एक छोटी सी और बात, ये कुछ जो पोयम है ऑल अबाउट उस पर है कि जब हमारे पास समय बहुत कम होता है या हम बिल्कुल डिफिकल्टी में होते हैं, तब हमें अपना द बेस्ट कैसे डिलीवर करना होता है, उसी के ऊपर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफॉल्स, जो सांप घायल कर दिया गया होता है या जिस सांप को जो है चोट कर दी गई होती है, जिसे मारा जाता है, वो अपने हुड को जो है, अपने फन को क्या करता है, बिल्कुल फैला लेता है। ये देखिए, ओके, किसी भी प्रकार की अगर उसे डिफिकल्टी है तो वो अपने हुड को फैला लेता है। इट मीन्स वह जो है प्रिपेयर हो जाता है, वो रेडी हो जाता है अपना द बेस्ट देने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को जो है ओवरकम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पहली लाइन कंप्लीट है कि जो भी है, अगर सांप को कभी भी जो है उसे कोई डिफिकल्टी आती है या उसे आप घायल करते हैं, उसे चोट देते हैं, तो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेगा अपने हुड को फैला करके। द फ्लेम स्टर्ड अप डॉट ब्लेज, यदि फ्लेम जो अग्नि है, जो आग है, अगर इसे आप स्टर्ड करते हैं, इसे आप अगर कुरेदते हैं किसी चीज से, तो जो है वहां पे ब्लेज, वहां पे आग भड़क उठती है, वहां पर जो है बहुत बड़ी बड़ी लपटे उठ सकती हैं। ठीक इस प्रकार से आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे कुरेदा जा रहा है, यहाँ पे देखिए लपटे बढ़ रही हैं। वैसे तो शांत है, लेकिन जैसे ही आप इसे कुरेदेंगे, जैसे ही डिग करेंगे, वैसे ही जो है आग यहाँ पे लपट बढ़ जाती है। ओके, द डेजर्ट एयर रिजाउंड द कॉल्स अवार्ड स्ट्रक लायंस रेज, कह रहे द डेजर्ट एयर रिजाउंड, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, रिजाउंड्स द कॉल्स अवार्ड स्ट्रक लायंस। रिसाउंड्स मीन्स होता है इको करना, ओके, रिवर्बरेट करना, जब कोई चीज गूंजती है उसे जो है रिसाउंड कहते हैं। ओके, कॉल्स जो भी आवाज है, जो बोलता है, तो वो जो है डिजर्ट में, रेगिस्तान में जब भी आप आवाज लगाएंगे तो वो आवाज इको होती है। आप कमरे में बैठे हैं तो जैसे ज्यादा बोलेंगे, तेज बोलेंगे, तो पूरे कमरे में आवाज गूंजेगी। अब हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, ओके, जरा आप इस पिक्चर को देखिए, ये जो है एक लायन है जो कि रोर कर रहा है, ये रोर जो है अगर जो है डेजर्ट में है तो बहुत दूर तक जाएगी और इको करेगी। ओके, इसका अर्थ हुआ जब हार्ट स्ट्रक लायन जो है घायल सिर जब दहाड़ता है, जब वो कॉल करता है, तो वो उसकी जो आवाज है वो क्या करती है, पूरे रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है, रेगिस्तान में जो है उसका इको होने लगता है, उसके दहाड़ने का। एक घायल जो है शेर जब वो दहाड़ करता है तो वह पूरे रेगिस्तान में जो वहाँ की हवा है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो क्या करने लगता है, इको होने लगता है। इट मीन्स देखिए, पहली वाली लाइन में भी क्या है, पहली वाली लाइन में भी जो है जब वो कष्ट में आ रहा है, जब उसे चोट मिल रही है, तो अपने को प्रिपेयर कर रहा है। दूसरे में देखिए, शांत जो है आग है, जैसे ही आप उसे स्टार्ट अप कर रहे हैं, जैसे ही उसे कुरेद रहे हैं, डिग कर रहे हैं, वैसे ही जो है लपटे बढ़ रहे हैं। और देखिए, जब शेर जो है जब घायल है और जब बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपना द बेस्ट, उसकी जितनी आवाज है उतनी आवाज निकाल रहा है। उसी प्रकार से जब हमें किसी भी प्रकार का कष्ट आता है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो अपने द बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इट्स ब्रेस्ट। फिर लाइटनिंग, इसे ऐसे पढ़ेंगे, जब बादल को, क्लाउड को जो है लाइटनिंग क्या करती है, जो बिजली होती है, आप देखते हैं वर्षा के टाइम में, रेनिंग सीजन में जो है
लाइटनिंग जो होती है, जो थंडरिंग होती है, जो आकाशीय बिजली से कहते हैं, वो क्या करती है, बादल को फाड़ देती है। ओके, बादल के सीने को, ब्रेस्ट को जो है क्लिप करती है। क्लिप मीन्स फाड़ना। जब वो बादल के सीने को फाड़ देती है तो बादल क्या करता है, फिर वो बादल ऐसा जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है कि डेल्यूज होता है। डेल्यूज मीन्स बाढ़, बाढ़ आ जाती है। वो इतना मतलब वर्षा होती है कि वहाँ बाढ़ आने लगती है। कब, जब उसको जो है लाइटनिंग, जो जो आकाशीय बिजली है, जो बिजली है, जब उसके सीने को जब चीर देती है तो बादल भी अपने को इतना ज़्यादा वर्षा कराता है कि जो है पूरा का पूरा बाढ़, डेल्यूज, सैलाब आ जाता है। ओके, आप देखिए यहाँ पे, ओके, ये बादल है। बादल को क्या करें, आकाशीय बिजली जो है फाड़ रही हैं। जैसे ही जितनी ही चमक होती है उतनी ही वर्षा बढ़ती जाती है, ऐसा हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द सोल इज स्टर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। इसका अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन द सोल, जब आत्मा इज स्टर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, जब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी आत्मा, आत्मा मीन्स व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को जब एकदम गहराई से छेड़ देते हैं, छेड़ने का अर्थ यह है कि जब किसी को कहीं पे लगता है कि वो उसे अपमानित महसूस कर रहा है, या उसका कहीं ना कहीं जो है उपहास उड़ाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति है जो उसे लग रहा है कि अंतिम स्थिति आ गई है, तो वहीं पे एक जो है एक महान विभूतियों का, एक महान योग्यता का जो है एक जो है रास्ता खुल जाता है, उद्घाटन होता है, एक रास्ता क्लियर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के ले लीजिए, कोई भी जो है, अर्थात जैसे अपने यहाँ अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए और भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारत के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ तुलसीदास को ले लीजिए, सूरदास जी को ले लीजिए, ऐसे बहुत, महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, ऐसे बहुत ज़्यादा, ऐसे मतलब नेल्सन मंडेला को देख लीजिए। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने प्री स्टेज में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, और वही परेशानी उन्हें एक बहुत बड़ा जो है मार्ग प्रशस्त की है। वो हमारे लिए आज एक एक एग्जाम्पल हैं, एक आदर्श हैं, उनको हम जो है फॉलो करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं जो है जब उन्हें ज़्यादा जो है वो परेशान होते हैं, कोई भी आत्मा, तो वे एक बहुत बड़ा एक जो है, या उनकी जो योग्यता है, जो उनका टैलेंट है, वो निकल जाता है। कहने का सीधा अर्थ यह है कि जब आप परेशान होंगे तो आपकी योग्यता जो है कहीं ना कहीं जो है, अगर आप उसे ओवरकम कर पाएंगे तो आपकी योग्यता निश्चित रूप से जो है आपको ओवरकम कर लेगी। लेट आईज ग्रो डीम एंड ईयर्स ग्रो फेन एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे। कह रहे हैं कि अगर आपकी आंखें जो है, आंखें कमजोर हो रही हैं, अर्थात आपको कम दिख रहा है, आपकी आई साइट वीक हो रही है, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, अगर आपको जो है कम सुनाई दे रहा है, लो हियरिंग हो रही है, कोई बात नहीं, बिल्कुल होने दीजिए। आपकी फ्रेंडशिप फेल होती है, आपके जो मित्र हैं आपको जो है आपका साथ छोड़ देते हैं आपकी डिफिकल्टी में, या जो मित्र हैं, मित्र जो आपके परेशानी में होने चाहिए, वो मित्र आपको छोड़ देते हैं। एंड लव बिट्रे, और जो आपका प्रेम है उसमें भी आपको जो है धोखा हो जाता है, उसमें भी आपके साथ जो है बिट्रे होता है, बिट्रे मीन्स धोखा होना। ओके, लेट फेट इट्स हंड्रेड हॉरर्स सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। कह रहे हैं कि जो फेट है, जो भाग्य है, भाग्य जो है आपके रास्ते में हजारों रुकावटें डाल रही हैं, बहुत सारे हर्डल्स पड़ रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं। भाग्य आपको जो है बहुत सारे जो है रुकावटें पैदा कर रही है। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और आपके हर प्रकार के रास्ते में जो है डार्कनेस, इतनी ज्यादा डार्कनेस हो जा रही है, इतना अंधेरा हो जा रहा है कि आपका रास्ता रुक जा रहा है, तो रुकने दो, भाग्य रोक रही है, रोकने दो। ओके, मित्रता जो है फेल हो रही है, फेल होने दो, लव बिट्रे हो रहा, होने दो, सब कुछ होने दो। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट स्टिल नो माई सोल। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन, कह रहे हैं कि अगर प्रकृति जो है तुम्हें नष्ट करने के लिए, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए वो क्या करे, फ्रोन कर ले। फ्रोनिंग का मतलब होता है अपनी आईब्रो जो होती है, जो भौं होती है, उसे तान लेना या भ्रकुटी चढ़ा लेना जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में। अगर नेचर जो है वो, अगर प्रकृति तुम्हें हर प्रकार से चाह रही है कि तुम निश्चित रूप से जो है नष्ट हो जाए, टू क्रश यू आउट, तुम्हें नष्ट करने के लिए बिल्कुल तुल जाए, स्टिल नो माई सोल, तो मेरी आत्मा तुम जान लो।
क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, स्टिल नो माई सोल, तो मेरी आत्मा आप इसे जान लो, यू आर डिवाइन, कि तुम दिव्य हो, तुम देवता के रूप हो, तुम्हारे अंदर दैवीय ताकतें हैं, तुम जो है स्वयं दिव्य हो, मार्च ऑन एंड ऑन, आप चलते रहो, आप निरंतर आगे बढ़ते रहो, मार्च ऑन एंड ऑन, कि इसका अर्थ ये हुआ कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप इसे आगे बढ़ते रहिए, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना ही आप दाएं मुड़े और ना ही बाएं, बट टू द गोल, बल्कि लक्ष्य की ओर। तो कितनी अच्छी पोएम है, आपने देखा कि कितनी भी परेशानियां हों आपको आगे बढ़ते रहना है, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप दिव्य हैं, आप डिवाइन हैं, आप स्वयं जो है देवता के रूप में हैं, उनके अंश हैं, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ना आप दाएं मुड़िए ना बाएं मुड़िए, केवल लक्ष्य को आप साधने का प्रयास करिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लक्ष्य से भटकिए नहीं, इधर उधर आप जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट न करिए, जो आपका काम है उस काम को बहुत ही तन्मयता के साथ करिए, आप विद ग्रेट हार्ट करिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा इस पोएम में कहा गया। आई थिंक आपको इस पोएम जरूर समझ में आएगी, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये पोएम कैसी लगी। हाँ, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पोएम ऐसी है कि आप इसे एक दो बार अगर समझ लेंगे तो जीवन का कोई भी दुख आपसे बड़ा नहीं होगा, आप सभी दुख पे ओवरकम कर जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।